morning, everybody. Today we will start a new chapters, Argyll and Publius. So let us firstly we will discuss about the some important terms in this chapters. So let us start the conditions. First condition is habitat. What is habitat? The place where Argyll are lives. मतलब वो जगह जहां आर्गनीज में रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। एक्टोथर्म्स, एक्टोथर्म्स मींस एक्टो मींस आउटसाइड एंड थर्म्स मींस टेम्परेचर। एक्टोथर्म्स आर दोज एनिमल्स विच कैन चेंज दियर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। या एक्टोथर्म्स वे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स आर दोज एनिमल्स विच कैन मेंटेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स बाय फिजियोलॉजिकल रीजंस। मतलब एक्टोथर्म्स वे एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट किए रहते हैं किसके थ्रू? फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के थ्रू। आरिवासन में एडाप्टेशन, एडाप्टेशन मींस दैट दोज एनिमल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली आर बिहेवियरल एट्रीब्यूट टू सर्वाइव इन ए वर्ल्ड इन दैट। मतलब क्या हुआ इसका कि वे एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली या बिहेवियरल उस एनवायरनमेंट में रहने के योग्य बना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका एडाप्टेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच कैन सर्वाइव इन अ इन अ पर्टिकुलर। मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन बोलते हैं कि किसी भी स्पीसीज का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? डेट मीन्स क्या होता है? या टोटल सम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज विच कैन लाइव इन अ पर यूनिट एरिया विच अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ? किसी समय में, दिए गए समय में किसी जगह पे रहने वाले इंडिविजुअल को हम बोल देते हैं उसकी डेंसिटी। ओके, नेटलिटी, नेटलिटी मीन्स क्या होता है? बर्थ रेट एट अ गिवन टाइम पीरियड। किसी समय में हम क्या करते हैं उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है उसको उसकी नेटलिटी। मॉर्टलिटी, मॉर्टलिटी मीन्स डेथ रेट इन अ गिवन टाइम पीरियड एट एनी पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया में हम ये देखते हैं कि कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई है इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, इमिग्रेशन, इमी आई डबल एम आई है, ये इमी है मींस कमिंग इंडिविजुअल इनसाइड इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इमिग्रेशन। मतलब क्या? किसी जगह पे अगर 100 लोग रह रहे हैं, बाहर से अगर जो होता है 10-5 लोग तो आ जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। बस समझे, इमिग्रेशन क्या होता है? मतलब ई मतलब आउटसाइड। मतलब क्या हुआ इसका कि इसी गिवन एरिया में अगर वहां से कुछ लोग निकल करके बाहर चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ओके, एंड नाउ लास्ट कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन सर्वाइव इन एन एरिया इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया।
मतलब क्या होते हैं, एक जगह पे जितना ज्यादा हो सकता है इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं वो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ वॉक्स आर मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मींस दैट क्या होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स वेयर द पॉपुलेशन विद टाइम एंड इंक्रीजेज। मतलब क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स आर फॉर्म्स। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस, होमियो मतलब सेफ, इट रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टडी इन इंटरनल एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किए रखता है उस एनवायरनमेंट में तो आप उसको बोलते हो होमियोस्टेसिस। आई वाज समझे, दैट मींस होमियोस्टेसिस रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टडी इंटरनल एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल नीड्स, इकोलॉजिकल नीड्स मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द रेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट द रिसोर्सेस इट यूटिलाइजेज एंड इट्स डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल। मतलब क्या होता है, वे प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसके रिसोर्स को यूज करता है, उसके साथ साथ उस एनवायरनमेंट में उसको इकोलॉजिकल नीड, इकोलॉजिकल नीड्स में फंक्शनल रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं उस इंडिविजुअल का इकोलॉजिकल नीड्स। ओके, दैट इज आर